किसान आंदोलन को लेकर कहीं ना कहीं जिस प्रकार से केंद्र सरकार पर दबाव बनाने का जो प्रयास है वो जारी है। किसान संगठन की भारी तादाद सिंघू बॉर्डर पर दिखाई दे रही है। इन किसानों का हौसला बढ़ाई करने के लिए बहुत से कलाकार लोग और बहुत से खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। आज इसी में कबड्डी इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर साहिल जामनिया हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं। साहिल, कैसे देखते हैं इस प्रोटेस्ट को आप? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई। जो मोदी सरकार के होते भी आप हमारी जो खबरें हैं किसान आंदोलन की वो दिखा रहे हो। बोलिए। किसानों के लिए लगातार सरकार दमनकारी नीतियां लेके आ रही है और किसान सारे परेशान हैं, कैसी सपोर्ट आप कर रहे हैं यहाँ? देखिए, ऐसा कि मैं एक किसान का बेटा भी हूँ और मेरे चाचा ताऊ पिताजी आए हैं किसान में आंदोलन में। पीछे जो अपना एक्सप्रेस वे है वहाँ हमारी ट्रालियाँ खड़ी हैं, तो हम इस आंदोलन का समर्थन करते हैं क्योंकि ये आंदोलन एक सही तरीके का आंदोलन है। हम शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, अपने हकों की लड़ाई लड़ने का संविधान में सभी को हक है। और जो आपको पता है कि तीन काले कानून सरकार लेके आई है, बिल्कुल ही गलत है और इसमें सरकार किसानों का कोई फायदा नहीं है। जैसे कि आज मैं कल देख रहा था तो अमित शाह जी, गृह मंत्री जी भी बोल रहे थे कि किसानों को भुसलाया भुसलाया जा रहा है। तो मैं अमित शाह जी से पूछना चाहता हूँ, अमित शाह जी, आपने कभी खेती की है या पंजाब के किसानों के साथ आपने जाके बातचीत की या हरियाणा के किसानों के साथ जाकर आपने बातचीत की कि भाई जो आप कानून लेके आ रहे हो इसमें क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है? इसको लेकर आपने किसी से बातचीत नहीं की, बिना बात पर आप इसको थोपना चाह रहे हो और थोप ही दिया। कोरोना की आड़ में लेकर बिन वोटिंग कराए राज्यसभा के अंदर प्रस्ताव को पास कर दिया। या आपको पता है कि राज्यसभा के अंदर बहुमत नहीं है। मैं ये चैलेंज करता हूँ मोदी सरकार को, आप छोड़ दीजिए आंदोलन को भी, एक बार राज्यसभा का चुनाव करा लीजिए। राज्यसभा के अंदर आपका बहुमत आ जाए नहीं, इस बिल को हम अपना लेंगे। ये बिल इतना ही गंदा बिल है, इसमें सर किसानों को कोई फायदा नहीं होने वाला। जो मंडियाँ वो बंद हो गई, एक मैं गरीब किसान हूँ, यो भाई गरीब किसान है तो ये इसके पास खाने को रोटी नहीं है लेकिन ये खा रहा है मजदूरी कर करके। बाई चांस ये बीमार हो जाता है, क्या सरकार इसको 10 लाख रुपए दे देगी? ये भी जवाब मैं किस मोदी सरकार से पूछना चाहता, नहीं देगी। क्योंकि जो हारती थे हमारे, जो हमारे बाणिया भाई हैं, वो हमें पैसा दे देते हैं इमरजेंसी में। इसलिए मंडी सिस्टम, चैन सिस्टम बहुत ही अच्छा सिस्टम है। इसे केंद्र सरकार लगातार कह रही थी कि हम किसानों को विकास देना चाहते हैं, किसानों को समृद्ध करना चाहते हैं, अध्यादेश उसी की तर्ज पर था, कैसे बनता है कि क्या सरकार का जुमला था ये? बिल्कुल जुमला ही है, ये जुमलों की ही सरकार है। जो भारतीय जनता पार्टी है ये जुमलाबाजी सरकार है। और आपको पता ही है जो नरेंद्र मोदी जी है वो जुमले ही देते हैं, जितने भी इनके मुख्यमंत्री हैं, कोई आरएसएस से है, कोई जैसे योगी जी है, कोई किसी बाबा समाज से हैं, तो इनको क्या पता घराना क्या होता है। मैं बहुत से खिलाड़ी आ रहे हैं, और कौन कौन से आपके साथी हैं जो यहाँ आना चाह रहे हैं? देखिए, कई खिलाड़ी आ रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ, पीछे थोड़ी देर में हमारे जिनसे एक खिलाड़ी और अंतर्राष्ट्रीय है प्रवीण जी, वो भी पहुँचने वाले हैं। प्रदीप नरवाल जी भी टिकरी बॉर्डर पर पहुँच चुके हैं। योगेश्वर दत्त भी खिलाड़ी है, क्या उसकी भी आने की कोई संभावना है या कोई बातचीत हुई हो? हाँ, कुछ आने की उनकी संभावना है, लेकिन वो भाजपा सरकार के दबाव में ना भी आए लेकिन कुछ संभावना है। खिलाड़ी होंगे किसान की, मैं अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करता, कि किसान की वो औलाद होंगे तो आएंगे आंदोलन में, और यदि किसान की औलाद ही नहीं है तो मत आए। बिल्कुल, आपने कहा कि ये सारी चीज़ें हैं, संयुक्त रूप से पूरे देश का आंदोलन बन चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं जो दबाव है वो दिखाई नहीं दे रहा। बिल्कुल दबाव है कि सरकार के ऊपर। आप ये बात कैसे कह रहे हैं कि दबाव नहीं है? दबाव नहीं है तो अमित शाह, आज तक मैंने नहीं देखा था कि अमित शाह एक रैली कर रहे हैं, तुरंत रैली खत्म होने के बाद रात को 11 बजे गुप्त मीटिंग बुलाते हैं जिसमें अमित शाह जी, राजनाथ जी, नरेंद्र तोमर जी और जेपी नड्डा जी शामिल होते हैं उसमें। भाई किसानों को कैसा मनाया जाए, किस तरीके से मनाया जाए, वो जहाँ तक यही नीति अपना रहे हैं कि इनके अंदर फूट डाल दी जाए, इनके अंदर विपक्ष पक्ष खड़ा कर दिया जाए और किसान बिखर जाएंगे और इनको रोकना आसान हो जाएगा। और जो बुराड़ी मैदान में ले जाने की बात है वो बिल्कुल इनकी गलत है, एक साजिश है कि यहाँ से जो अब आवन जावन बंद हो गया है और जो बुराड़ी मैदान में ले जाएंगे तो यहाँ दिल्ली खुल जाएगी। लेकिन हमारा एक ही मकसद है, दिल्ली को ब्लॉक करना। जब दिल राजधानी ब्लॉक हो जाएगी, जब सांस ही नहीं आएगा तो अपने आप दबाव बनेगा उनके ऊपर। आपको भी सरकारी नौकरी मिली थी, आपने त्याग दिया, क्या कारण है उसका? देखिए, आपको पता है कि जो सरकारी नौकरी है वो लोग करते हैं जो नीचे दब के काम कर सकते। मेरे अंदर वो काम जुनून नहीं है कि मैं किसी के नीचे दब के काम करूँ। ये राजनीति दबाव आ जाए, किसी मुख्यमंत्री का फोन आ जाए, मुख्यमंत्री जी वहाँ आने वाले,
अरे मुख्यमंत्री जी तो अनपढ़, दसवीं पास नहीं है, एक मैं पढ़ा लिखा उसके सामने सलूट मारूंगा, लेकिन ये मेरे को पसंद नहीं आया। तो निश्चित तौर पर सोल्यूशन अब क्या देखते हो, क्योंकि तमाम जत्थेबंदियां हैं, लाखों की तादाद में लोग अब सड़कों पर हैं, लेकिन सोल्यूशन क्या देखते हो आप लोग? सोल्यूशन यही देखते हैं, सरकार से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, हम नहीं कुछ करना चाहते, हम शांत तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। इसका एक ही मकसद हमारा, जो कानून आपने बनाया उसके सदन बुलाइए और उसको अविश्वास प्रस्ताव पास करके उसको रद्द कर दीजिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका साहिल। ये साहिल थे, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थे कबड्डी के। आपने सुना जिस प्रकार से जोश है किसानों के अंदर, पूरे भारत के जो किसान हैं एकजुट हो चुके हैं, और आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं सरकार को या सरकार की चूल्हे हिलाने का ये किसान काम करेंगे। सिग्गू बॉर्डर से मैं कमल वधावन, भारत 9।